यूपी बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं। लोकभवन में सीएम योगी विकास पुस्तिका का विमोचन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, तो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पूरे कार्यक्रम की। और आपको बता दें, सरकार के 4 साल के विकास कार्यों पर है ये किताब, जिसका विमोचन किया जा रहा है। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो खास पुस्तिका जिसके अंदर सरकार के 4 साल के विकास कार्यों पर ये किताब है, और साथ ही उसका विमोचन कार्यक्रम यहाँ पर है। तो लोकभवन में सीएम योगी विकास पुस्तिका का विमोचन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, और ये विमोचन यहाँ पे किया जा रहा है पुस्तिका का। तो तस्वीरें इस वक्त, ये खास पुस्तिका जिसका विमोचन कार्यक्रम आज रखा गया। यूपी बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं, तो सफल 4 साल पूरे होने पर लोकभवन में सीएम योगी विकास पुस्तिका का विमोचन कर रहे हैं। और ये विमोचन अपने आप में बेहद खास, बेहद अहम, क्योंकि इस पुस्तिका के अंदर सरकार के 4 साल के जो विकास कार्य हैं उन पर ये किताब है। तो ऐसे में ये किताब अपने आप में बेहद अहम, क्योंकि देखिए, किताब जो है वो विकास कार्यों को बताती है, किस तरीके से विकास किया गया यूपी के अंदर 4 सालों में बीजेपी की सरकार के दौरान, तो वो सब इस पुस्तिका के अंदर रखा गया है। कुछ खास दृश्य भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बार पावर सेक्टर में रिफॉर्म लागू कर पूरे प्रदेश में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाया और हर घर को रोशन करने में सफलता पाई। प्रदेश के सभी वर्गों, वंचितों को बिना किसी भेदभाव के विकास की मुख्य धारा से जोड़ा, साथ ही गौ संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाए। कोरोना की चुनौती का सफलता पूर्वक सामना करने के लिए रिकॉर्ड प्रबंधन के साथ साथ प्रदेश के हर जिले में आम नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना में जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें ध्वस्त हो गई, तो भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अपनी कार्य क्षमता को देश के सामने प्रस्तुत किया। योगी सरकार ने पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश को निवेशकों की पसंद एवं सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए विभिन्न आयोजनों की शुरुआत की। भव्य एवं दिव्य कुंभ, दिव्य दीपोत्सव, देव दीपावली के आयोजनों ने विश्व कीर्तिमान बनाए। पिछले 4 वर्षों में हर क्षेत्र में रिकॉर्ड विकास कार्य हुए, और आज राज्य का हर नागरिक ये महसूस कर रहा है कि जो कार्य दशकों में नहीं हो पाए वो इन 4 वर्षों में हुए हैं। प्रदेश में अब माहौल बदल गया है, सबको समान अवसर मिल रहे हैं, और एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ उत्तर प्रदेश बीमारू से समर्थ प्रदेश बन रहा है, और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाएगा। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। काम दमदार योगी सरकार। विकास यात्रा के निर्माता परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ, कृपया संबोधन लेने की। मित्रों, आज के इस विशेष प्रेस वार्ता में मैं अपने सहयोगियों उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के हमारे वरिष्ठ मंत्री वित्त, चिकित्सा शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी की ओर से, अपनी पूरी टीम की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। पूरे प्रदेश वासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के इस मंत्र का एक मूर्त रूप उत्तर प्रदेश को देने के लिए
उत्तर प्रदेश में हुए व्यापक परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। मुझे हार्दिक संतुष्टि की अनुभूति है कि उत्तर प्रदेश में ठीक आज ही के दिन 4 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के सामने उत्तर प्रदेश का दायित्व हमारी सरकार ने संभाला था और पिछले 4 वर्षों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों और मंत्रिमंडल के अपने सभी सहयोगियों की मदद से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन किया है, आज मैं विश्वास के साथ